हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला कलर एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने जो IBPS एफओ और इफको दोनों का जो एनालिसिस किया था एक महीने पहले, आज से एक महीने पहले हमने एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था। उसमें केवल हम स्कीम पढ़ चुके थे, स्कीम के बाद ICAR के इंस्टीट्यूट पढ़े थे, क्योंकि तब नोटिफिकेशन आया था आपका इफको का और एफओ का भी, दोनों का। तो अभी क्या है कि अब इफको की एग्जाम पास में आ गई है और एफओ के लिए भी एनालिसिस करना जरूरी है करंट अफेयर्स का, क्योंकि आप जब देखोगे पिछले 4 से 5 साल के पेपर IBPS एफओ के या इफको के, तो दोनों में आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन मैक्सिमम आपको मिलेगा दोनों एग्जाम में। मेनली आपका IBPS एफओ में तो 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। और इफको की एग्जाम भी नज़दीक आ गई है और IBPS एफओ के लिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसका बार बार एनालिसिस, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स, जो कि आपका 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे टफेस्ट लेवल के, कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा और उसका आंसर आपको ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रहेंगे, बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर यही है, मतलब यही है। तो इसलिए IBPS एफओ के लिए भी अभी से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। और इफको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इफको एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। इसके पहले जो पढ़ाया था मैंने आपको स्कीम्स, 10 स्कीम, उसके बाद में ICAR इंस्टीट्यूट, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए पिछले वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी करंट अफेयर्स का पोर्शन। तो सबसे पहले इसमें बात आती है जियोग्राफिकल एरिया, नॉर्थ सोवन एरिया, और उसके बाद में क्रॉप एरिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल एरिया की, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। तो आपको करंट याद रखना है, पिछला भूल जाइए, कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एकदम माइंड सेट करके एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 328.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। उसके बाद नेट सोइंग एरिया, यानी कि कितने एरिया में सोइंग की जाती है, इतना टोटल जियोग्राफिकल एरिया। उसके बाद नेट सोइंग एरिया आपका 140.1 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया 328.7 में से 44.1 मिलियन हेक्टेयर की खेती की जाती है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बन जाए कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का नेट सोइंग एरिया कितना परसेंट, यानी कि टोटल जो एरिया है हमारे इंडिया में उसे कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, तो इसका आप कंसेप्ट याद रखिए 43% पर जो है खेती की जाती है। यानी कि इसका 328.7 मिलियन हेक्टेयर 43% होता है, इतने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। उसके बाद में आती है नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, तो नेट इरिगेटेड एरिया कितना है आपका 68.4 मिलियन हेक्टेयर, ये आपका नेट इरिगेटेड एरिया, यानी कि सिंचित क्षेत्र इतना। उसके बाद में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो 198.4 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट बात आती है क्रॉप इंटेंसिटी, यानी कि CI की, क्रॉपिंग या क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो आपको याद रखना है इसके लिए 142%, ठीक है। तो ये फैक्ट कुछ याद रखना है आपको, करंट बेस्ड है तो आपको यही मार्क करना है, केवल जो पिछले डाटा है उनका भूल जाइए, क्योंकि करंट बेस्ड है तो जियोग्राफिकल एरिया जितने भी खेती की जाती है वो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया का सोइंग एरिया कितना है, उसके बाद इरीगेटेड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं आज टॉपिक करंट अफेयर्स का, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट से, कि जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार फॉरेस्ट का एरिया कितना है, ट्री एरिया कितना है, उसके बाद में
आपकी कौन सी कंट्री ने ज़्यादा इम्प्रूव किया, कौन सी कंट्री पीछे रह गई इस मामले में, और इस प्रकार के जितने भी फैक्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम टोटल एरिया की, कि कितना एरिया टोटल है फॉरेस्ट का। आपको फॉरेस्ट अलग याद रखना है, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट में शामिल रहती है, और पर्टिकुलर ट्री रहे तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, एक क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या आप आंसर मार्क कर रहे हो। तो अगर फॉरेस्ट दिया हो तो फॉरेस्ट का मतलब यह नहीं है कि ट्री, ओनली ट्री, एक ट्री एक छोटा सा नमूना होगा फॉरेस्ट का, और एक फॉरेस्ट पूरा फॉरेस्ट जंगल, तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा वो, इसमें याद रखना है आपको। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट की। फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि कितना है टोटल एरिया इसका फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये आपको डाटा याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 70, 82, 73 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 70, 82, 73 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया, जो है आपका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया में, उसका इतना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपको परसेंट में पूछ लिया जाए कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जितना भी हमारे कंट्री में है उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, तो 21.54% आपको याद रखना है, यानी कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, 328.7 बताया था आपको मैंने टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो जितना भी जियोग्राफिकल एरिया, सबसे पहले तो उसका 143.1 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है, यानी कि 43% पर खेती की जाती है, वो आपको मैंने पहले बताया था, और उसके कितने क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट है, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर पर आपका फॉरेस्ट है, परसेंट में पूछ लिया तो 21.54% पर आपका फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में फॉरेस्ट एंड ट्री, आपको मैंने अभी बताया था फॉरेस्ट और ट्री में डिफरेंट, तो फॉरेस्ट और ट्री दोनों पूछ लिया आपको, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, फॉरेस्ट और ट्री दोनों का साथ में आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन, फॉरेस्ट और ट्री के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है 80-20-88, इसी प्रकार से आप पढ़ना 80-20-88, तो आपको आसानी से याद रहेगा, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये फॉरेस्ट और ट्री दोनों के अंतर्गत आता है। इसका अगर परसेंट पूछ ले आपको तो 24.39% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, ये आपका एग्जाम IBPS AFO की एग्जाम 2018 में पूछा गया था, AFO 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इसमें, क्वेश्चन मेनली कंफ्यूजन रहता है, पूछा क्या है, फॉरेस्ट पूछा है कि फॉरेस्ट और ट्री पूछा है दोनों कंबाइंड रूप से, तो इस प्रकार से कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने की धारणा को पहले चेंज कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि कौन सा स्टेट वाइज बात करते हैं आप, ठीक है। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ ले कि पिछली जो रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट, यानी कि जो पिछली रिपोर्ट थी नेक्स्ट, उसकी तुलना में अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है आपके फॉरेस्ट में, तो आपको याद रखना 1% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, 1% की बढ़ोतरी उसमें हुई है, या 80-21 स्क्वायर किलोमीटर, तो जो इंक्रीजिंग हुआ है इसमें फॉरेस्ट में पिछली रिपोर्ट की तुलना में, वो 1% आपका हुआ है, या फिर बात करें तो 80-21 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में भी याद रखना है, परसेंट में भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फॉरेस्ट कवर, आपका ऑब्जर्वेशन जो हुआ था उसके अंतर्गत जो कौन सा स्टेट सबसे पहले नंबर पर आता है आपका परसेंट में, और नेट जो एरिया है फॉरेस्ट का उसके अंतर्गत कौन फर्स्ट आता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम एक बार में चर्चा करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इसमें। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लार्जेस्ट, ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि जो वर्डिंग रहेगी इसमें ही आपको कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन में, तो आपको आंसर पता होते हुए आप गलत कर दोगे। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, एरिया की बात कर रहा हूँ ना, परसेंट नहीं, एरिया है, एरिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है, तो आपका एमपी में है, ठीक है, एमपी में,
और पूछ ले कितना है, तो 77,414 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है याद रखना, एमपी में 77,414 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितना आपका है, तो 66,964 स्क्वायर किलोमीटर। आपको डाटा भी बिल्कुल याद रखना है, डाटा भी पूछा जा सकता है, आईबीपीएस एफओ एग्जाम है तो डाटा भी बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, तो डाटा भी आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करें तो थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ आपका आएगा, एमपी अरुणाचल प्रदेश देन सीजी छत्तीसगढ़, इसमें है 55,547 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यह तीन डाटा आपको याद रखना है, ये भी आपका आईबीपीएस एफओ 2017 एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पे आता है, उसके बाद में डाटा भी पूछ सकता है वो, तो एफओ 2017, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये केवल एरिया का है, एरिया है। इसके बाद में परसेंट की बात करेंगे, एरिया के मामले में एमपी फर्स्ट नंबर पर आता है, उसके बाद में परसेंट की बात करेंगे कि परसेंट के मामले में कौन सा राज्य पहले आता है, ये परसेंट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि परसेंट दिया है कि एरिया दिया है, तो परसेंट में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है फर्स्ट पे आता है, कितना परसेंट है, तो 90.33%, यानी कि 90.33% एरिया पर आपका फॉरेस्ट है, ठीक है। जितना भी जियोग्राफिकल एरिया उसके 90.33% या फिर टोटल जितना भी जितने स्टेट है उनका 90.33% पर जो है फॉरेस्ट पर है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पर है परसेंट के मामले में लक्षद्वीप। उसके हम सेकंड नंबर पर है मिजोरम, मिजोरम का परसेंट याद रखना है आपको, ये पूछा गया था आपकी एग्जाम में, मिजोरम का 86.27% पर फॉरेस्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो इसका कितना है 81.73%, ठीक है। आपका आईबीपीएस एफओ 2017 एग्जाम में ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, अभी क्या आपको तीन क्वेश्चन मैंने गिना दिए आईबीपीएस एफओ 2017 एग्जाम में और 18 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करिए, क्योंकि जो डाटा है वो भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं, डाटा आपको 30 से 35 डाटा देखने को मिल जाएंगे और 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं और इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन वाले रहते हैं, तो आप इनको याद रखिए एरिया वाइज परसेंटेज वाइज क्या दिया है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में बात करेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, यानी कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में कौन सा स्टेट पिछड़ गया है, इस मामले में कौन सा जो स्टेट आगे निकल गया। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग की बात करेंगे कि मैक्सिमम इंक्रीजिंग किसने किया है, कितने अच्छे बढ़ोतरी की है स्टेट फॉरेस्ट के मामले में। तो सबसे पहले इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज मतलब आपका आंध्र प्रदेश आएगा सबसे पहले, तो इसमें आएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत, और इसने कितनी बढ़ोतरी की है, तो ये भी याद रखिए 2141 स्क्वायर किलोमीटर इतना की इंक्रीज किया है। सेकंड नंबर पर बात करें तो कर्नाटक का है 1101 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर केरला ने भी अच्छी वृद्धि की है फॉरेस्ट के अंतर्गत, 1043 स्क्वायर किलोमीटर इतना इंक्रीजिंग हुआ है। उसके बाद सेकंड बात करें डिक्रीजिंग की, कौन सा राज्य पिछड़ गया इस मामले में, कौन सा राज्य जो है ऐसा है कि जो डिक्रीज हुआ है इस मामले में, तो उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले मिजोरम की।
मिजोरम आपका परसेंट में भले ही आगे हो, बाकी जो पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में पिछड़ गया, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइए कि मिजोरम आपको मैंने बताया था कि जो परसेंट के मामले में सेकंड नंबर पर था, बाकी डिक्रीज हुआ है वो पिछली रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है। तो 531 स्क्वायर किलोमीटर इतना डिक्रीज हुआ है। उसके हम सेकंड नागालैंड, नागालैंड 450 स्क्वायर किलोमीटर इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके हम थर्ड नंबर पर बात करें तो त्रिपुरा, त्रिपुरा भी याद रख लीजिए आप, 164 स्क्वायर किलोमीटर इसने फॉरेस्ट रिपोर्ट को गिराया है। फिर फोर्थ याद रखिए मेघालय, या फिर तीन भी याद कर लोगे फिर भी बहुत है आपके लिए, क्योंकि पूछेगा तो 1, 2, 3 यही पूछ लेगा, बाकी इसको याद रख लीजिए मेघालय का भी, कि मेघालय ने 116 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट दिखाई है रिपोर्ट में, ठीक है। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को में कंफ्यूज ना होइए। उसके बाद में एरिया और परसेंट दोनों में चार पॉइंट आपको मैंने बताया, एरिया का बताया था, परसेंट का बताया था, इंक्रीजिंग का बताया, डिक्रीजिंग का बताया था। और दूसरी बात मिजोरम में कंफ्यूज ना होना है, क्योंकि परसेंट में भले ही सेकंड नंबर पर हो, बाकी पिछले रिपोर्ट की तुलना में डिक्रीज हुआ है मिजोरम, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका ये कंटिन्यू रहेगा करंट अफेयर्स का पोर्शन, जो कि आपको आईबीपीएस एफओ इफको दोनों एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप जब देने जाओगे इफको एग्जाम या फिर आप दोगे सेंटर पे, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स को देखने के मिलेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, और आईबीपीएस एफओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली आईबीपीएस एफओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अलग से नोट प्रिपेयर कीजिए और उसका रिवाइज कीजिए डेली, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। और दूसरी बात कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है आपको, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमने क्या पढ़ के गए हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ा एरिया का, परसेंट का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब मेघालय में हो जाओगे कंफ्यूज, मिजोरम में हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो इस प्रकार की बारीकियों को ध्यान में रखिए, क्योंकि सब कुछ तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब कर रहे हैं, उसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन को पढ़ने की वर्डिंग नहीं आपको समझ में आया तो कोई मतलब नहीं आपकी पढ़ाई का। तो आपको मेन क्या फोकस करना है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और ऑप्शन को, तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों का जो है रिलेशन वो आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन है ऐसा ही रहता है ये, और आईबीपीएस एफओ है बहुत ही घुमाता है क्वेश्चन को, और 2 से 3 लाइन का तो आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, और क्या पढ़ के गए उसको एकदम माइंड में कंसेप्ट पूरा क्लियर करके जाइए, और बार बार रिवाइज कीजिए करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा 2 साल का, और उसके बाद में नाबार्ड और आईबीपीएस एफओ दोनों के जो है पेपर भी आपको एनालिसिस करवाऊंगा। और उसके बाद में अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हो, यहाँ हम आपको इंग्लिश और एक करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो 9111573272, ठीक है, 9111 है, 9111573272, ठीक है। तो इस पर आप संपर्क भी कर सकते हो, वह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद में पीडीएफ आपको इंग्लिश की भी बराबर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी करवाते रहेंगे, बस आप केवल पढ़ते रहिए, और आपका इंग्लिश भी चालू हो गया, 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंग्लिश का लेक्चर भी कंटिन्यू देखिए और करंट अफेयर्स का भी देखिए, और दोनों के नोट्स अलग से प्रिपेयर कीजिए, ताकि उसका बार बार रिवाइज करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे बिरला करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।